Good morning, my dear students. How are you all? I hope so you all are happy at your homes, fit and fine. I am also Vita. Dear students, our lesson number 6, food we eat. हमने half lesson किया है, आज हम उसको complete करेंगे. Okay बेटा, इसमें हमने क्या-क्या read किया है अब तक? Why do we need food? हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना? ज़िंदा रहने के लिए, बड़े होने के लिए खाना हमें एनर्जी देता है. किसके लिए एनर्जी देता है? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है. सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड, खाने के स्रोत, कहाँ कहाँ से खाना हमें मिलता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स, खाना हमें प्लांट्स से मिलता है. फूड फ्रॉम एनिमल्स, और खाना जो हमें एनिमल्स से मिलता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, राइस, व्हीट, मेज, सीरियल्स, ये सब जो हैं क्या हैं? अलग अलग प्रकार हैं खाने के, ठीक है. पल्सेस हैं, किडनी बीन्स, ब्लैक ग्राम, हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड, ठीक है. हेल्दी फूड में क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, है ना. और जंक फूड जो है, जंक फूड में क्या आएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, जो अनहेल्दी हैं, ठीक है. मील्स ऑफ द डे, खाना हम कौन कौन से दिन में किस किस कितने कितनी बार लेते हैं, ठीक है. मेन जो है हम खाना 3 टाइम लेते हैं. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है ना, जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है और हमारी हेल्प करता है जल्दी से बड़े होने में. सुबह का जो खाना है, फर्स्ट मील जो है, फर्स्ट मील होता है ब्रेकफास्ट. सेकंड मील है लंच, जो हम आफ्टरनून में करते हैं. डिनर नाइट में करते हैं विद फैमिली. गुड फूड हैबिट्स, अब बेटा आगे क्या है? गुड फूड हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें. वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेगुलरली खानी चाहिए. We should drink milk every day. हमें milk drink रोज करना चाहिए. We should drink 8 to 6 glasses of water in a day. हमें एक दिन में 6 and 8 glasses water drink करना चाहिए बेटा. And बेटा water को waste नहीं करना चाहिए, ठीक है. आप उतना ही पानी लेंगे गिलास के अंदर जितना आपको पीना है. ये नहीं आप फुल ग्लास वाटर ले लिया और आपने थोड़ा सा ड्रिंक किया, बाकी आपने थ्रो कर दिया. इट्स बैड हैबिट, ओके बेटा. वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. आज टीचर ने आपको मैथ्स क्लास में भी बताया ना कि जब बर्थडे पार्टी है या घर में कोई भी फंक्शन है, आपका खाना जब बच जाता है तो आपको उस खाने को वेस्ट नहीं करना है, वो आप किसी नीडी पर्सन को दोगे. एंड डेली रूटीन में भी बेटा आप प्लेट में उतना ही खाना लोगे जितना आप खा सकते हो, ठीक है. और मम्मा जितना आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने के लिए दे, आप कोशिश करें कि वो फिनिश करें, ओके बेटा. We should eat fresh food. हमें खाना हमेशा fresh खाना चाहिए, ताज़ा खाना. We should avoid junk food. junk food को avoid करना चाहिए, वो हमारी health के लिए अच्छा नहीं होता, okay बेटा. New words. Grow. grow का क्या meaning था? Increase in size. ग्रो का मतलब है आपका जो साइज है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. पल्सेस, प्लांट, सीड्स और डाल्स.
पल्सेस होता है बेटा प्लांट्स की सीड्स, बीज और दाल्स, जो दालें होती हैं उनको पल्सेस कहते हैं। आपके घर में होंगी ना मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल। आज आप किचन में जाके देखेंगे कि पल्सेस आपके घर घर में कौन कौन सी पल्सेस हैं। ओके बेटा, सीरियल्स ग्रेन्स दैट कैन बी ईटन। सीरियल्स बेटा जो अनाज हम खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं ना हम, गेहूं जो है वो सीरियल्स हैं। ओके बेटा, मील्स मील्स बेटा दैट फूड वी ईट, मील्स मतलब भोजन जो खाना हम खाते हैं। डाइट नॉर्मल फूड ऑफ अ पर्सन और एनिमल, एनिमल और पर्सन का नॉर्मल फूड जो होता है उसको डाइट कहते हैं। जंक फूड फूड आइटम्स दैट आर नॉट गुड फॉर अस। जंक फूड जो है बेटा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फूड आइटम दैट आर नॉट गुड फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अनहेल्दी एनीथिंग दैट मेक्स अस सिक। अनहेल्दी फूड बेटा, अनहेल्दी का मीनिंग है जो चीज़ हमें बीमार करती है। सैलेड कंसिस्ट ऑफ रो और बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बेटा सैलेड जो है कच्ची या उबली हुई सब्जियां या फ्रूट्स, उसे सैलेड कहते हैं। सैलेड आप खाते हो ना खाने के साथ में। सूप अ लिक्विड डिश मेड बाय बॉइलिंग वेजिटेबल्स और मीट। बेटा सूप जो है लिक्विड डिश है जो बॉयल करके बनाई जाती है वेजिटेबल्स को या फिर मीट को। डेजर्ट अ स्वीट डिश वी यूजुअली ईट एट द एंड ऑफ अ मील। बेटा स्वीट डिश जो हम साधारणतः खाने के बाद खाते हैं उसे क्या कहेंगे, डिजर्ट। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। आई थिंक यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस क्लास।